और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग आपको बता दें, केजरीवाल आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी। दूसरी ब्रेकिंग, अमेरिका की यात्रा पर पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मोदी चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान पीएम और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई। तीसरी ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नौशेरा विधानसभा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की रैली जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना के समर्थन में होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। चौथी ब्रेकिंग, नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जनसभा और रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। नड्डा की पहली जनसभा थोड़ी ही देर में जम्मू के कांगड़ा फोर्ट में होगी। दोपहर 1 बजे नड्डा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे नड्डा का रोड शो होगा। पांचवी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुंछ, हवेली, बुद्धल, कालाकोट, सुंदरबनी में रैली करेंगे। थोड़ी ही देर में पुंछ में राजनाथ की रैली है। राजनाथ आरएसपुरा, जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। छठी ब्रेकिंग, वहीं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी हरियाणा में 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। जींद, सोनीपत, करनाल में सीएम योगी की जनसभा है। करनाल जिले की असंत विधानसभा में योगी नई मंडी में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सातवीं ब्रेकिंग, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का 6ठा दिन। जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आठवीं ब्रेकिंग, तिरुपति प्रसादम मिलावट की पुष्टि के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के ईओ सीएम चंद्रबाबू से मिल सकते हैं। इस दौरान लड्डू में मिलाए जाने वाले घी पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसादम को लेकर उठे विवाद पर ईओ को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नौवीं ब्रेकिंग, छोटा उदयपुर बीजेपी के पूर्व सांसद और ट्राइफेड के चेयरमैन राम सिंह राठवा के भतीजे कुलदीप राठवा गोली मारकर हत्या की गई है। गांव के ही रहने वाले पूर्व सैनिक शंकर ने कुलदीप पर गोली चलाई। ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर कुलदीप और शंकर के बीच अनबन थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और 10वीं ब्रेकिंग, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव काउंटिंग के बीच ही श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गिनती में चीन समर्थक दिशा नायके आगे चल रहे हैं। दिशा नायके 50% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत सकते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रेमदासा रुझानों में पीछे चल रहे हैं।